भोपाल जेल में बंद बदमाश को छुड़ाने के लिए छोटे भाई ने एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन आरोपी चार दिन बाद ही अपने साथी के साथ पुलिस की हद से चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी के पास से दो चोरी की बाइक और 1 लाख का माल बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान अतिउल्लाह और अरबाज के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से ही शहर के अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदातें करना कबूल किया है। थाना श्यामला हिल्स पुलिस टीम के द्वारा अतिउल्लाह नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसने कि थाना बाग से बनिया में विगत दिनों एटीएम तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया था। इसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। अतिउल्लाह के साथ में अरबाज नाम के एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार किया है थाना श्यामला पुलिस ने, और इन दोनों बदमाशों के कब्जे से दो चोरी के वाहन जो थाना तलैया से चोरी किए गए थे और स्थानीय थाने में गुमटी तोड़कर चोरी के प्रयास किए गए थे, उनमें इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में एक युवक के अपहरण के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक घर से सामान लेने बाजार जा रहा था, तभी तीन बदमाशों ने कार से उसका अपहरण कर लिया। इसके साथ ही युवक की करीब 3 घंटे पिटाई की और एक सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। परसों रात्रि को कोलार थाना के कंप्लेंट के लिए दीपक मुन्ना नामक व्यक्ति है, जिसने कहा कि अमित बघेल और उसके दोस्त जो है अक्कोर आकाश, उन लोगों ने उसके साथ मारपीट करी और गाड़ी में बिठा के दूर ले गए और वहां पिटाई करी। उसके आधार पर अपहरण का ये केस दायर किया गया। इनकी पुरानी लड़ाई है और पहले भी बहसबाजी होती रही है, तो इसी के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया था और ये जो तीनों आरोपी हैं इनको गिरफ्तार किया गया।